Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. आज के वीडियो में हम लोग दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. जो पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी है वो है कैलकुलेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ अ माउंटेन ऑन अर्थ. कि अर्थ पे जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी एक लिमिटेड मैक्सिमम हाइट होती है, उससे ज्यादा हाइट तक कोई माउंटेन रीच नहीं कर सकता है. उसका रीजन है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का जो प्रेशर है वो उसकी हाइट, उसके कॉलम की, जैसे कि सॉलिड है, माउंटेन सॉलिड रॉक्स से बना हुआ है, तो उन रॉक्स का जो प्रेशर है जो वो अर्थ के बेस पर अप्लाई करेंगे वो उसकी हाइट पर डिपेंड करता है. और वो प्रेशर होता है एच रो जी. ठीक है, ये प्रेशर एच रो जी हमेशा एच हाइट ऑफ द कॉलम या हाइट ऑफ द माउंटेन है, रो रॉक्स की डेंसिटी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है. और ये प्रेशर जो है ये लेस देन या इक्वल टू के होना चाहिए, जहां के इलास्टिक लिमिट ऑफ अर्थ है. यानी कि इस लिमिट के अंदर ही अगर प्रेशर लगेगा तो अर्थ उसको बेयर कर पाएगी. अगर प्रेशर इस लिमिट से ज्यादा हुआ, मीन्स इफ पी बिकम्स ग्रेटर देन के, देन अर्थ विल नॉट बी एबल टू बेयर इट. अर्थ की इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है तो अर्थ उसको बेयर नहीं कर पाएगी, अर्थ की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी इससे ज्यादा प्रेशर लगने पे. ठीक है, तो अर्थ के लिए ये इलास्टिक लिमिट की वैल्यू होती है 3×10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. साथ ही आज पे जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी होती है 3×10�³ केजी पर मीटर क्यूब, यानी 3000 केजी पर मीटर क्यूब. ये इलास्टिक लिमिट ऑफ अर्थ है कि इतना मैक्सिमम प्रेशर अर्थ झेल सकती है. ठीक है, तो हम अब फाइंड कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है, जब एच इज इक्वल टू एच मैक्सिमम होगा तब, अगर एच इज इक्वल टू एच मैक्सिमम होगा तब पी इज इक्वल टू के हो जाएगा, है ना. यानी कि एच मैक्सिमम के लिए एच रो जी की वैल्यू के बराबर है, और इसी से हम एच मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं. तो एच मैक्सिमम आएगा हमारा के अपॉन रो इंटू जी. अभी सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, के की वैल्यू, रो की वैल्यू और जी की वैल्यू जो मैंने यहां ऊपर लिखी हुई है. के है 3×10⁸, रो क्या है, डेंसिटी जो रॉक, टिपिकल एक रॉक की डेंसिटी होती है अर्थ के रॉक की जिनसे माउंटेन्स बनते हैं यूजुअली. और ये है जी, होता है आपका जी, आपको पता ही है 10 m/s² अप्रोक्सीमेशन या सुटेबल कंडीशन के लिए 10 ले लेते हैं. 9.8 से 10 के बीच में जी की वैल्यू ली जाती है तो हम 10 ले रहे हैं. ठीक है, सो 3 कैंसिल हो जाता है, 10⁴ हो गया है, 10⁸ अपॉन 10⁴ क्या बचता है, 10⁴ बचता है, यानी कि 10,000 meters. और 10,000 meters को हम अगर किलोमीटर्स में लिखते हैं तो क्या आएगा, 10 किलोमीटर. तो अर्थ के किसी भी माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज अर्थ विल नॉट बी एबल टू बेयर द प्रेशर ऑफ दैट माउंटेन बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. और ये हाइट माउंट एवरेस्ट से भी काफी ज्यादा है. माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर के आसपास है. सो ये हमने डिराइव किया द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ अ माउंटेन ऑन दी अर्थ. अभी आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, हम पता लगा सकते हैं इजिली कि एक हॉलो शाफ्ट या हॉलो रॉड, एक सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम साइज की सॉलिड शाफ्ट या रॉड के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होती है. वो हम यहां प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. तो इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास एक सेम मटेरियल की बनी हुई सेम लेंथ की दो रॉड्स हैं. एक रॉड है जो कि सॉलिड है, सॉलिड का मतलब है कि ठोस, पूरा उसके अंदर भी वही मटेरियल, सपोज आयरन की रॉड है तो पूरा मटेरियल उसका अंदर बाहर इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ आयरन, ये हो जाएगी सॉलिड रॉड.
एक है हॉलो रोड। हॉलो का मतलब है कि जो खोखली हो, जिसके जिसके सेंटर का पोर्शन एम्प्टी हो, वो खोखली रॉड हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई सॉलिड रॉड, ये हो गई हॉलो रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल। हम मान रहे हैं कि इनकी लेंथ भी हमने सेम ली है, दोनों की सेम लेंथ सेम मटेरियल है। ओके, सो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गर, हम प्रूव करेंगे कि हॉलो वाली स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, सो यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ये जो सॉलिड वाली है इसका कुछ रेडियस होगा, सपोज का रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस इसका आर मान लेते हैं ये है। लेकिन जो हॉलो वाली है उसमें दो रेडियाई होंगे, दो रेडियाई कौन कौन से होंगे, एक इनर रेडियस होगा, सपोज इनर रेडियस है, और एक होगा सपोज इनर रेडियस आर टू ले लेते हैं, और जो आउटर रेडियस है वो आर वन है। तो इसका इनर और आउटर दो रेडियस रहेंगे इस हॉलो रॉड में। ठीक है, तो क्योंकि ये हॉलो है तो उसका आउटर रेडियस यानी लार्जर वाला आर वन ग्रेटर देन आर टू हो जाएगा, लार्जर वाला आर वन है और जो अंदर का छोटा पोर्शन है उसका रेडियस आर टू है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो हॉलो वाली रॉड है, सॉलिड में तो पूरे में वो मटीरियल फिल्ड है, पूरी ही उसी से बनी है, लेकिन हॉलो में क्या है, इस आर वन और आर टू के बीच के पोर्शन में ही वो मटेरियल है। तो हमने सेम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लिया, ये बात आपको समझना है, सेम मटेरियल सेम लेंथ यानी साइज सेम है, मटेरियल सेम है, और जो उनका ओवरऑल एवरेज रेडियस है वो भी सेम है। ठीक है, और वॉल्यूम भी सेम, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मटीरियल सब्सटेंस यूज करके हमने दोनों रॉड बनाई है, लेकिन फर्क है कि इनके स्ट्रक्चरिंग में एक सॉलिड है और दूसरा हॉलो है। अभी एक सॉलिड रॉड को हम बेंड करना चाहें, अगर सॉलिड रॉड को बेंड करने के लिए हमें जो टॉर्क लगाना पड़ता है उसका फॉर्मूला होता है पाई ईटा आर रेज टू द पावर फोर अपॉन टू एल। यहां ईटा क्या है, ईटा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अगर दोनों रॉड सेम मटेरियल की बनी हुई है तो दोनों रॉड के लिए ईटा की वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला आयरन से बनी हुई है तो दोनों का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सेम होगा। ठीक है, सो सॉलिड रॉड के लिए इसका फॉर्मूला होता है पाई ईटा आर एस टू पावर फोर टू एल। ऑन द अदर एंड हॉलो रॉड के लिए इस टॉर्क रिक्वायर, ये क्या है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द रॉड। इस रॉड को अगर हमको ट्विस्ट करना है, मोड़ तोड़ना मरोड़ना है, तो हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, और हॉलो रॉड के लिए यही टॉर्क की वैल्यू होती है ट्विस्टिंग टॉर्क की, पाई ईटा आर वन रेस टू दी पावर फोर माइनस आर टू रेस टू दी पावर फोर अपॉन टू एल। अब यहां पर आपको ईटा मैंने बताई थी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों का सेम है, रेडियस सॉलिड रॉड का आर है, हॉलो रॉड के दो रेडियस है, तो उनकी पावर फोर का डिफरेंस आएगा यहां पर, और एल दोनों रॉड की लेंथ है वो भी सेम है। ठीक है, तो अभी ये हमें समझ आ गया कि अगर ईटा और लेंथ ये फैक्टर्स है तो आर की पावर फोर पर डिपेंडेंस है। या इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये टू एल को मैं ऐसे तो लिख रही हूं, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां ए और बी की जगह आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर हमने लिया है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो अभी इसको फर्दर देखते हैं, क्योंकि दोनों ही रॉड सेम मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, सेम मटेरियल की बनी हुई है तो इनका जो वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम भी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वॉल्यूम क्या होता है, सिलिंड्रिकल रॉड है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, या हाइट हमने एल ली है तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम वी वी सॉलिड और वी हॉलो मान लेते हैं, तो हॉलो का वॉल्यूम होगा। अब देखिए इसमें पूरा वॉल्यूम इतना का इतना ही है, लेकिन वो वॉल्यूम इन दो सिलेंडर के बीच के पोर्शन में है, यानी पाई
आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर एल, ठीक है, यानी पाई आर वन स्क्वायर एल माइनस पाई आर टू स्क्वायर एल। तो पाई और एल मैंने कॉमन ले लिया है, इसलिए पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। लेकिन क्योंकि दोनों ही वीएस और वीएस दोनों बराबर है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एल हो गया, एल कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। तो आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, आर स्क्वायर के बराबर आ जाती है। कह सकते हैं इसमें, सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर का यूज कर सकते हैं यहां पर, यानी कि जो वैल्यू है आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर की टाउ में, वो हम रख सकते हैं पाई ईटा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, तो एज इट इज आएगा इनटू, इसको क्या रख रही हूं मैं, आर स्क्वायर रख रही हूं अपॉन टू एल, ठीक है। अभी टाउ सॉलिड और टाउ हॉलो है, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। कंपैरिजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो व्हेन वी फाइंड टाउ हॉलो अपॉन टाउ सॉलिड, मतलब टॉर्क किसमें टॉर्क ज्यादा लगता है या दोनों को ब्रेक या मरोड़ने में लगने वाले टॉर्क का रेशियो कितना है, तो टाउ हॉलो पाई ईटा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू एल बाय, ये टाउ हॉलो की वैल्यू लिखी है मैंने पूरी, और टाउ सॉलिड की वैल्यू क्या है, पाई ईटा आर की पावर फोर अपॉन टू एल, राइट। अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जो कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, पाई और ईटा कैंसिल हो रहे हैं, 2l भी कैंसिल हो रहा है एज इट इज, और r की पावर स्क्वायर और यहां 4 है तो ये बचेगा सिर्फ r स्क्वायर। तो ओवरऑल सारा कैंसिलेशन होने के बाद हमें मिलता है tau hollow अपॉन tau solid इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर, राइट, कि आर स्क्वायर ही बचा है इसमें इसलिए। और ऑब्वियसली ये जो रेशियो आया है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, तो इससे प्रूव हो जाता है कि इससे प्रूव होता है दैट टाउ हॉलो टाउ सॉलिड से ग्रेटर है, यानी कि टाउ हॉलो इज ग्रेटर देन टाउ सॉलिड, ये हमारा रिजल्ट है जो हमने यहां प्रूव किया है, क्योंकि इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो टाउ हॉलो ग्रेटर देन टाउ सॉलिड है, यानी कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू बेंड अ हॉलो रॉड ऑफ द सेम मटेरियल सेम लेंथ एंड सेम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज मच ग्रेटर देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू बेंड द सेम मटेरियल रॉड बट सॉलिड वन। तो एक ही सेम ही मटेरियल की बनी हुई सेम लेंथ की हॉलो रॉड को मरोड़ने में ब्रेक करने में हमें ज्यादा ट्विस्ट ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू उसी मटेरियल की उसी लेंथ की सॉलिड रॉड के लिए। इसीलिए कह सकते हैं कि हॉलो शाफ्ट या रॉड सॉलिड शाफ्ट या रॉड से स्ट्रॉन्गर होती है जबकि दोनों सेम मटेरियल की और हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस भी किया और उनके लिए रेलिवेंट रिलेशन भी डिराइव किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.